में 11. तो इस में हम देखेंगे एसआरटी जो कि एक थर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो एसएसबी इंटरव्यू में कंडक्ट किया जाता है इसमें आपको क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइड किया जाता है उसमें कुछ सिचुएशंस दिए जाते हैं जहां आपको हर एक सिचुएशन के लिए अपने अनुसार रिस्पांस लिखना पड़ेगा तो आज के सेशन में मैं आपको ऐसे ही सिचुएशन डिस्कस करूंगी आपके साथ और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इन के किस तरह के रेस्पॉन्सेस आप लिख सकते हैं जो भी पे लिख रहे है, we'll कि अगर आप कुछ और रिस्पॉन्स लिखते हो तो किस तरह वो इंटरप्रेट किया जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिचुएशन के साथ ही वॉज नॉट अ गुड स्विमर स्टिल बींगेटेड बाई हिज फ्रेंड ही इन द रिवर

वो दूसरे सिनेमा हॉल में जाएंगे वहां टिकट्स ले लेंगे और मूवी को एंजॉय करेंगे या फिर वो मूवी सीट जो है आ, दूसरे नेक्स्ट शो का ऑनलाइन बुक कर लेंगे और फिर वो एंजॉय करेंगे तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो यू कैन ऑल्सो पोस्टपोन इट टू नेक्स्ट डे और वो लिख सकते हो कि वो नेक्स्ट दिन जाएंगे वो मूवी देखने और उस शो से पहले वो ऑनलाइन मूवी टिकट बुक कर लेगा ताकि वो वहां जाके यू नो ऑनलाइन वो बुक कर ले क्योंकि हाउसफुल अगर हो गया फिर वो नहीं एंजॉय कर पाएंगे तो फिर वहां बीय इन एंड नोटिसनेशन हॉल गॉट अ कॉपी ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम आउटसाइड ही तो देखो ऐसे सिचुएशन में तो चुप बिल्कुल नहीं रहना रिपोर्ट करना बिकॉज दिस इज इलीगल सेटेडामिनेशन इन्क्वायर आफ्टर एग्जाम एंड रिपोर्टेड टू द एग्जाम ऑथोरिटीज या फिर ईल कम्प्लीट द एग्जाम इंक्वाउंडी रिपोर्ट टू दुलिस एफ आई आर या फिर वो वही पे जो है एग्जाम को रुकवाने की कोशिश करेगा और एग्जाम अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने की कोशिश करेगा कोई भी आप ले सकते हो ठीक है नेक्स्ट सीचुएशन इज इट वॉज नाइट एंड द ट्रेन वॉज गोइंग एट हाई स्पीड वेन अज बिल्ट मैन विथ पिस्टल एंटर हिस्स कंपार्टमेंट एंड ट्राई टू टेक हिस्सूस देखो अभी क्या है कि पिस्टल के साथ वो भी अंदर आया है तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट यू विल फाइट विथ एनी आर्म्ड पर्सन राइट तो रिपोर्ट तो डेफिनेटली करना है बट देर कैन बी डिफरेंट वे इन विच यू कैन रिस्पॉन्ड टू दिचुएशन

तो इसकेस में वो अब परसुएट करेंगे और या और अपने फ्रेंड को कन्विंस करेंगे कि बस से जाके ट्रिप को एंजॉय करें या फिर अगर उनको जाना ही है तो वो ट्रेकिंग मास्टर इन एक्सपर्ट ट्रेकिंग मास्टर को हायर करेंगे सेफ्टी मेजर्स लेंगे और उस बारिश में वॉक करते हुए नेचर को एंजॉय करते हुए वो पहुंचेंगे तो यहाँ पे खुद नहीं करना है कोई भी चीज बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आर नॉट ऑफ द स्टूडेंट्स और द पीपल गॉन देअ दे आर नॉट एक्सपर्ट्स ठीक है नेक्स्ट सिचुएशन इन डिस्कशन विद हिज कलीग्स ही 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 फाउंड दैट वाज लूजिंग ग्राउंड तो वो क्या करेंगे इस केस में वो फैक्ट्स और फिगर्स या एग्जांपल्स यूज करने की कोशिश करेंगे अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए और सॉलिड बनाने के लिए या फिर वो क्या करेंगे वो चुपचाप सुनेंगे उनकी बातों को ठीक है फिर वो रीजन करने की कोशिश करेंगे फिर अपना रीजन लगाएंगे लॉजिक लगाएंगे और आर्ग्यू प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स के साथ पॉइंट्स के साथ वो जो है बाकी लोग उनकी बातें सुनेंगे ठीक है तो ये कर सकते हैं नेक्स्ट इज he is on the way to his his home for some urgent work. Suddenly ट वर्क सडनली तो वो क्या करेंगे nearest bicycle repairing shop में चला के लेके जाएंगे repair करवाएंगे उसको फिर घर पहुँचेंगे। या फिर वो अपने bicycle को nearest repairing shop में लेके जाएंगे repair दे देंगे repair करने उसको lock कर देंगे फिर public vehicle लेके अपना घर पहुँचेंगे, अपने काम खत्म करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली uh, वो नेक्स्ट दिन या उसी दिन कुछ uh, uh, कुछ देर बाद आके अपने रिपेयर uh, साइकिल को घर लेके जाएंगे तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एग्जाम्स इज टीचर थ्रेटन डिम टू फेल इन एग्जाम ही तो वो क्या करेंगे तो इस केस में वो क्या करेंगे एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अपियर करेंगे एग्जाम में और गुड मार्क्स लेके पास करेंगे या फिर वो टीचर से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करेंगे प्रिपेयर करेंगे एग्जाम्स के लिए टीचर्स के मदद से और एग्जाम में क्रैक करेंगे गुड गो, मार्क्स मिलेगा उसको नेक्स्ट सीचुएशनएसियसली इंज्योर्ड एंड नोबडी वॉज देयर टू हेल्पिंग ही तो इस केस में खुद चले नहीं जाना हेल्प करना है सो so, इस केस में वो क्या करेंगे फर्स्ट एड देंगे उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल पे लेके जाएंगे और उससे अपना फोन नंबर लेके उसके फैमिली मेंबर्स को कॉल करेंगे फिर उसको उनके हवाले करके एसएसबी के लिए वो ही विल गो या फिर यू टेक द पर्सन टू द द हॉस्पिटल इन वे एडमिट हिम फैमिली एंड देन गो टू एस एस बी सेंटर नेक्स्ट फ्रेंड क्रैक्स अ जोक ऑन हिम इन प्रेजेंस ऑफ हिज गर्लफ्रेंड ही तो दो चीज हो सकता है एक उनके साथ मिलजुल के हंस के आ, उसको लाइटन मूड को लाइटन कर सकते हैं वो या फिर वो और एक जो क्रैक करके अपने फ्रेंड को टीस करके मूड को रिफ्रेश और लाइटन कर सकते हैं Okay? So, these were certain uh, you know, questions that I have brought for you, some certain situations which are very regularly asked and very commonly asked in a situation reaction test in SSB interview. Now, I'll give you five situations for your homework and I want you to write one response each for these each five situations. So, the first situation that I want to write, you know, uh response of is number one. He's a horse rider. Once the horse went out of control, he second he missed his school bus at 8.30am the final exam was to start at 9am the school is at a distance of 3km he number his village was raided by he. 4th he forgot his identity card and proceeded on pd he was denied access in the cantonment he and 5th he wanted to get migration certificate from the university but he was not granted leave to go to the university he तो इन पांच सिचुएशंस uh, के लिए एक एक रिस्पॉन्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और ऐसे अगर आपको आपके अपकमिंग एस के लिए प्रिपेरेशन लेनी है तो आप हमारे एस इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर जाइए इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटर्न डिफेंस एग्जाम उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में आपको मिल जाएंगे सो डाउनलोड अर एप टूडे यूज द कोड बॉडी अटेंड टू गेट एन एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ ऑन दिस कोर्सेस आई सी नेक्स्ट विद एस आर टी प्रैक्टिस एक्सरसाइज फार ट्वेल्व एंड टिल कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड कीप यूर सेल्फ पॉजिटिव एंड स्टेड विद ऑलवेज जय हिंद अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एस इंटरव्यू एन डी ए जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं